दोस्तों, जब भी हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हमारे दिमाग में आता है मैथमेटिक्स जीनियस, हमारे दिमाग में आता है मैथ्स के फॉर्मूलास। क्योंकि फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहचान है। ये तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे बहुत से मैथ्स के फॉर्मूलास भी इस दुनिया को दिए हैं कि जिससे हमारा मैथ्स और भी आसान हो जाता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही मैथ्स पसंद था। वो बचपन से ही नंबर्स के साथ खेलते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ, कि जो मरने से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया के लिए छोड़ गए थे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जिसे मैथ्स पसंद होगा, जो सच में नंबर्स के साथ खेलता होगा और जो सच में मैथ्स में चैंपियन होगा, वही इंसान इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। क्योंकि अगर आप ही सोचिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि पूरी दुनिया के मैथमेटिक्स चैंपियन थे, अगर उन्होंने ये सवाल पूरी दुनिया के लिए छोड़ा है, तो इसमें कुछ तो हार्ड होगा ही, ये इतना आसान नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले पूरी दुनिया के लिए छोड़ा था, वो क्वेश्चन है डैश प्लस डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 30। यानी कि फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो 3 खाली जगह हैं, उन 3 खाली जगहों में आपको 3 ऐसे अंक रखने हैं, 3 ऐसी संख्या रखनी है कि जिससे उसका जो आंसर है वो 30 आए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आपको इन 3 खाली जगहों में 1, 3, 5, 7 और 9, इन 5 में से ही कोई संख्या बनाकर रखनी है। आप इन 5 में से कोई भी ऐसा अंक या संख्या बनाकर वहां रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो भी अंक या संख्या रखे, उनमें 2, 4, 6, 8 और 0 बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। यानी कि 2, 4, 6, 8 और 0, इन 5 अंकों का इस्तेमाल किए बिना आपको 3 ऐसे अंक और संख्या बनानी है कि जिनका प्लस करके हमें जो आंसर मिले वो 30 हो। फ्रेंड्स, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। अब जब इसे सॉल्व करने बैठोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये वाकई में मुश्किल है। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप रैशनल नंबर ही रखें। आप रैशनल नंबर रख सकते हैं, इरेशनल नंबर रख सकते हैं, या फिर आप कोई पॉइंट वाला अंक या पॉइंट वाली संख्या भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही पता चले, आप उसे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका आंसर सही होगा, तो उस कमेंट के स्क्रीनशॉट्स मैं अपनी आने वाली वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई जरूर करना। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। तो फ्रेंड्स, यही एक क्वेश्चन है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन मरने से पहले पूरी दुनिया के लिए छोड़ गए थे। तो दोस्तों, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चन के बारे में पता चले। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। मैं आपसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं, सिर्फ शेयर मांग रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद, और मिलते हैं अगली एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। और तब तक के लिए
मैं इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय हिंद।